टुडे आवर टॉपिक इज दलित्स और अनटचेबल। आज हम दलित या जिसे हम अछूत भी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली जो दलित शब्द होता है या फिर अछूत है, अनुसूचित जाति है, इनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक डिस्क्रिप्टिव मीनिंग, ये मतलब क्या कंडीशन है, किस तरह से इनकी बारे में जो है समाज में हमारी स्थिति व्याप्त है, इसके बारे में हम जानेंगे। टुडे इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ दलित्स आर रिलेटेड टू मोर देन 19 करोड़ पीपल। अगर आज हम दलितों की समस्या के बारे में बात करते हैं तो ये समस्या भारत के 19 करोड़ लोगों से ज़्यादा से जुड़ी हुई है, यानी कि जो इतनी जो संख्या है वो दलितों की है। इवन आफ्टर बींग अ पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शनिंग गिवन इन सम रिलीजियस टेस्ट ऑफ हिंदूज दे आर लीडिंग आर डिग्रेडेबल एंड एबडोंडेंट लाइफ इन द सोसाइटी। हिंदू समाज का एक अंग होने के बाद, एक भाग होने के बावजूद भी जो हमारे हिंदू धर्म के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनके अनुसार कुछ रीति रिवाज हमारे समाज में इस तरह के व्याप्त हैं, इस तरह का एक सिस्टम बन गया था जिसकी वजह से जो दलित थे उन्हें एक अमानवीय और एक दूषित जीवन समाज में जीना पड़ा। द रियल बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द दलित इज द कास्ट वर्जन ऑफ इंडियन सोसाइटी इन विच अनदर ब्राह्मण कास्ट वर गिवन स्पेशल राइट बाय कंसर्निंग दैम एज द मोस्ट सेकर्ड विल द सम कास्ट वर कंसाइडर्ड अनहोली एंड दे वर ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद होली कास्ट। अगर हम दलितों की समस्या के बारे में बात करते हैं तो ये जो दलितों की समस्या है, यानी कि जो दलित मुद्दा है, इसके पीछे बेसिक जो रीज़न है वो कास्ट वर्जन। भारतीय समाज में जो जाति प्रथा है, जाति के आधार पर ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव है, वो इसका मूल कारण रहा है। और हमारे समाज में, भारतीय समाज में जो ब्राह्मण जाति है, सभी वर्गों में उसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, विशेष अधिकार प्रदान उसको किए गए, जिसकी अलावा जो दूसरे वर्ग था उसमें जो बेसिकली दलित शूद्र वर्ण था उसे अपवित्र समझा गया और उसे दूसरी पवित्र समझे जाने वाली, जिन्हें हम हाई कास्ट ऊंची जातियां कहते हैं, उनके संपर्क में आने से भी उसे रोका गया। बेसिकली दलित्स के बारे में आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जो दलित्स होते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की थी। हमारे समाज में एक समय ऐसा आया कि जाति के नाम पर मानव के एक वर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उन्हें बहुत बुरी तरीके से शोषित प्रताड़ित किया गया। टोटल ऑफ मतलब हम कह सकते हैं कि जो कंडीशन थी सो क्रिटिकल। स्टेटस ऑफ दलित्स इन आवर सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द दलित सिचुएशन वॉज वेरी पैथेटिक फ्रॉम द ग्राउंड अप। अगर हम बात करते हैं अपने इतिहास की तो जो ब्रिटिश रूल था उस समय दलित की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। इवन आफ्टर दिस अंडर हिज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन द आर्य समाज बाय एड्रेसिंग देम कास्ट दे रेज द वॉइस ऑफ इक्वल फैसिलिटीज एंड इक्वल राइट्स फॉर देम लाइक अदर हिंदू कास्टेज। और अगर हम समाज सुधारक आंदोलनों की बात करें तो उस समय भी आर्य समाज द्वारा दलित जाति के उत्थान के लिए, उसके सुधार के लिए अपनी आवाज़ को ऊँचा किया गया, बहुत सारे आंदोलन इनके लिए किए गए और उनका कहना था कि जो दलित्स हैं, शेड्यूल कास्ट है, उसे इक्वल फैसिलिटीज़, दूसरी जो हिंदी जातियां हैं उन हिंदू जातियों की तरह ही उन्हें उसी तरह से सुविधाएं और अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इवन अनटचेबल कास्ट वर कॉल्ड एज दलित कास्ट बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने अनटचेबल जो कास्ट थी उस समय जिन जातियों को अछूनीय समझा जाता था, अछूत समझा जाता था, उन्हें दलित कहकर संबोधित किया था। इनके लिए द 1931 सेंसस कमिश्नर जे एच हट्टन एड्रेस दिस कास्ट आज आउटसाइडर। 1931 की जो जनगणना हुई थी उसके जो कमिश्नर थे, आयुक्त थे जे एच हट्टन, उन्होंने इन जातियों को बाहरी जाति कहकर संबोधित किया था। ही बिलीव दैट इज वॉज एप्रोप्रिएट टू दिस कास्ट आउट ऑफ हिंदू सोसाइटी बिकॉज दे डी नॉट हैव एनी राइट लाइक अदर हिंदूज। उनका ये मानना था कि ये जो जातियाँ हैं हिंदू समाज में, इन्हें बेसिकली क्योंकि उनकी तरह इन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए इन जातियों को बाहरी जाति कहना ही उचित होगा। महात्मा गांधी ने इनके लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था जो हमारे दलित जातियां हैं। डॉक्टर अंबेडकर विल यूजिंग वर्ड दलित क्लास सेड दैट दोज कास्ट हु आर पुअर एक्सप्लॉयटेड एंड डिप्राइव्ड ऑफ सोशल एंड रिलीजियस राइट वी कॉल देम दलित्स। महात्मा गांधी कॉल देम हरिजन।
तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने दलित शब्द का इस्तेमाल करते हुए, जो दलित वर्ग है उसका इस्तेमाल करते हुए कहा था कि वे जातियाँ जो समाज में गरीब हैं, शोषित हैं और समाज में धार्मिक अधिकार, सामाजिक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है, उन जातियों को हम दलित कह सकते हैं। महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन कहकर संबोधित किया था। हरिजन मतलब हरि किसे कहते हैं, ईश्वर को, भगवान को, जन प्राणी, ईश्वर के प्राणी, भगवान के प्राणी। हम इन्हें इस तरह से जो है मानव जाति से इस तरह से तिरस्कार नहीं कर सकते। इन्हें जिस तरह का अमानवीय व्यवहार हम इनके साथ करते हैं वो करना गलत है। द वर्ड दलित इज इक्वल टू द अनटचेबल। जो दलित शब्द है ये जो अछूत हैं उसके ही समान इसको यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया। सम पीपल बिलीव दैट द कास्ट कॉल शेड्यूल कास्ट डू नॉट इंक्लूड ऑल दोज कास्ट हु हैव बीन दलित्स इन इंडियाज कास्ट स्ट्रक्चर। कुछ लोगों का जो है इसमें जो शेड्यूल कास्ट हैं, तो कुछ लोगों का ये मानना था कि शेड्यूल कास्ट में उन सभी लोगों को शामिल नहीं किया गया जिन्हें भारत की जाति संरचना में दलित कहकर पुकारा जाता है। विद इन द दलित क्लास देयर आर ऑल कास्ट विच इन सम फॉर्म और द अदर आर कंसाइडर्ड अनहेवली एंड द गोल्डन पीपल कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम। और दलितों की जो स्थिति थी उन्हें सभी जातियों में सबसे नीच समझा जाता था, सबसे नीचा समझा जाता था, जबकि उनके अलावा जो उन्हें अपवित्र समझा जाता था और जो अपने आप को ऊँची जाति स्वर्ण व्यक्ति जो है स्वर्ण जाति कहने वाले वो उन लोगों से दूरी बना करके रखते थे। शेड्यूल कास्ट इंक्लूड दोज कास्ट इन विच फाइव ट्रेल्स आर फाउंड। जो शेड्यूल कास्ट है अनुसूचित जाति है इसमें उन जातियों को शामिल किया जा सकता है जिनमें मुख्य रूप से ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स, पांच चीज़ें हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जब शेड्यूल कास्ट है, जब हमारा संविधान बन गया था, संविधान बन जाने के बाद उसमें कानून बना रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति से संबंधित, और उसमें इनके लिए स्पेशल जो है रिजर्वेशन, आज भी हम देखते हैं रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ की ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी से संबंधित लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उन्हें किसी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो अन्य वर्गों के समान बराबर लाने के लिए उनके लिए ये प्रावधान किया गया था। तो बेसिकली किन जातियों को इसमें शामिल किया जाए, इसके लिए पांच आधार बनाए गए थे, पांच ऐसे लक्षण जो जिन जातियों में देखने को मिलेंगे उन जातियों को, उन कास्ट को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड किया जाएगा। द कास्ट ग्रुप विच इज इन लोअर पोजिशन इन द हिंदू कास्ट सिस्टम इज अनेबल टू रेड्यूस इज डेवलप इट्स डेवलपमेंट। वे जातियाँ जिन्हें हिंदू जाति प्रणाली में सबसे नीचे का स्थान प्राप्त होता है और जो अपना विकास करने में असक्षम हैं। ट्रेडिशनली अपर कास्ट इवन सम बैकवर्ड कास्ट लाइक कहार, वॉशरमैन, बाबर एक्सेट्रा वर नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टेक्ट। पारंपरिक रूप से ऊँची जाति समझी जाने वाली या फिर कुछ पिछड़ी जातियाँ भी जैसे कि कहार हैं, धोबी है, नाई है, वर नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टेक्ट। जो नीची जाति के लोग थे वो इन लोगों के यानी कि ऊँची जाति और कुछ पिछड़ी जाति जैसे भी बताया कहार, धोबी, नाई, इनके भी संपर्क में आने को जो मना थी किसे, शेड्यूल कास्ट दलितों को। दोज हु हैव नॉट बीन गिवन द राइट टू एंटर हिंदू टेम्पल, जिन जातियों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं था उस समय, बेसिकली ये भी एक नियम समाज में बनाया गया था कि जो नीची जाति के लोग हैं वो हिंदू जाति में हिंदू मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते। विच आर डिप्राइव ऑफ द यूज़ ऑफ पब्लिक स्पेस एंड ऑब्जेक्ट, जिन्हें पब्लिक स्पेस सार्वजनिक स्थान और सार्वजनिक चीज़ों को छूने के लिए मना था, उनसे दूरी बनाकर उन लोगों को रखनी थी। हु वाज बाउंड टू अर्न अ लिविंग हिज हेटफुल एंड इम्प्योर प्रोफेशन, जिन्हें अपना जो जीविका है वो केवल उन कार्यों से, यानी लोग जो दलित थे वो केवल उन कार्यों को कर सकते थे जिन्हें समाज में घृणा की दृष्टि से और अपवित्रता की दृष्टि से देखा जा सकता है। समाज में सेवा और जो सफाई का कार्य था वो दलितों के हिस्से में आया था। तो बेसिकली जो कंडीशंस थी, जो सिस्टम था हमारे समाज में वो बहुत बेकार था, लेकिन मच इम्प्रूवमेंट एंड अ वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स सीन इन सम एरियाज रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट। अगर आज के समय में हम शेड्यूल कास्ट से संबंधित स्थिति, उनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तो हमारे कानून के अनुसार सभी व्यक्ति समान हैं, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता है। जो पहले सिस्टम था वो आज पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कोई समस्याएँ, कुछ कुछ समस्याएँ क्षेत्र वाइज एरिया के आधार पर आपको कुछ जगह देखने को मिल सकती हैं जो दलितों से संबंधित होती हैं।
तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक था दलित्स का, कि दलित क्या होते हैं, किन जातियों को दलित कहा जाता है, और उनकी जो बेसिकली क्या कैटेगरीज, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसके आधार पर शामिल किया जा सकता है उन्हें शेड्यूल कास्ट में, इसके बारे में बताया। आगे हम शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रॉब्लम को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, सरकार ने जो है, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किया उन लोगों के लिए, इन सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे।